सो फ्रेंड्स, मार्वल मूवीज के ऐसे कई सारे ऑसम सीन्स हैं जिन्हें देखकर हमें घूसबम्प आ जाते हैं, लेकिन मार्वल मूवीज के कई ऐसे भी सीन्स हैं जिन्हें कि हम कभी देख ही नहीं पाए। उन सीन्स को किसी न किसी रीजन के चलते मूवी से डिलीट कर दिया गया, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्वल मूवीज के उन्हीं कुछ डिलीटेड सीन्स के बारे में। सो विदाउट वेस्ट योर टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, थॉर डिलीटेड सीन। सो फ्रेंड्स, ये डिलीटेड सीन है एवेंजर्स एंडगेम मूवी का। जब थॉर और रॉकेट एसगार्ड में आते हैं तो थोर वहीं पर खुले में ही हल्का होने लगता है और काफी डिप्रेस्ड होता है, और थोर का अपने मिशन पर बिल्कुल भी फोकस नहीं होता है। इसलिए रॉकेट थोर से वे डिवाइस मांगता है जिससे रियलिटी स्टोन यानी कि ईथर को जेन फोस्टर की बॉडी से निकाल सके। और वहीं हमें मूवी में दिखाया गया था कि ये डिवाइस रॉकेट के पास पहले से ही होता है, और इस सीन को भी मूवी का रनिंग टाइम ज्यादा होने के कारण डिलीट कर दिया गया। लेकिन मेरे हिसाब से इस सीन को डिलीट नहीं करना था, क्योंकि यहाँ पर हमें थोर का डिप्रेशन दिखाया गया था, और वहीं साथ में थोर और रॉकेट की कुछ फनी कन्वर्सेशन भी दिखाई गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें मूवी में ये सीन देखने को नहीं मिल पाया। नंबर 2, एशली जॉनसन डिलीटेड सीन। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट एवेंजर्स मूवी में जब कुछ एलियंस एक बैंक में कुछ लोगों को बंदी बना लेते हैं, तो वहां पर कुछ सेकंड के लिए हमें ये एक्ट्रेस दिखाई जाती है। एक्चुअली में इस एक्ट्रेस का नाम एशली जॉनसन है। इस एक्ट्रेस का मूवी में काफी बड़ा सीन होने वाला था, जिस सीन में हमें दिखाया जाता कि ये एक्ट्रेस एलियंस से बचते हुए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। उसी सीन में हमें पता चलता कि एलियंस के इस अटैक की वजह से नॉर्मल पीपल की क्या हालत थी, जहां पर ये एक्ट्रेस एलियंस से जैसे तैसे बचते हुए इस बैंक में आ जाती और फिर यहां पर कैप्टन अमेरिका आकर सबको बचा लेते। वैसे मूवी में ये सीन तो था जहां पर कैप्टन अमेरिका इन सभी को बचा लेते हैं, लेकिन इस एक्ट्रेस का एलियंस से बचते हुए स्ट्रगल नहीं दिखाया गया। शायद मूवी का रनिंग टाइम ज्यादा होने के कारण इस एक्ट्रेस का ये सीन काट दिया गया। नंबर 3, स्टैनली डिलीटेड सीन। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट एवेंजर्स मूवी में स्टैनली का टीवी में चल रही एक न्यूज में एक कैमियो दिखाया गया था, लेकिन आपको शायद मालूम ना हो स्टैनली का इसके अलावा भी एक और कैमियो शूट किया गया था, जहां कैप्टन अमेरिका एक कैफे में बैठकर कुछ ड्राइंग बना रहे होते हैं, तभी वहां पर एशली जॉनसन वाली ये एक्ट्रेस आ जाती है। हाँ फ्रेंड्स, इस सीन में भी ये एक्ट्रेस थी, और फिर ये एक्ट्रेस कैप्टन अमेरिका को कॉफी सर्व करके चली जाती है, और तभी हमें यहाँ पर कैप्टन अमेरिका के पीछे स्टैनली का एक कैमियो देखने को मिलता, लेकिन इस सीन को भी मूवी से डिलीट कर दिया गया। लेकिन स्टैनली से ज्यादा बुरा तो इस एक्ट्रेस के साथ हुआ। इस एक्ट्रेस के मूवी में दो ही सीन थे, और दोनों ही सीन को इस मूवी से डिलीट कर दिया गया। मार्वल वालों ने इस एक्ट्रेस का काफी बुरा काटा। नंबर 4, गमोरा न्यूड सीन। सो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में गमोरा का एक नेक्ड सीन होने वाला था, जिस सीन को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के फर्स्ट ट्रेलर में भी डाला गया था, लेकिन मूवी में इस सीन को कहीं पर भी नहीं दिखाया गया। इस सीन को मूवी से डिलीट कर दिया गया था, और इस सीन को मूवी से क्यों डिलीट किया गया ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मुझे इसका रीजन बताने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 5, कैप्टन अमेरिका डिलीटेड सीन। सो फ्रेंड्स, ये डिलीटेड सीन है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी का। ये सीन होने वाला था एयरपोर्ट बैटल के दौरान, जिस सीन में वॉर मशीन कैप्टन अमेरिका पर अटैक करता है, जिससे कैप्टन अमेरिका गिर जाते हैं और कैप्टन के हाथ से उनकी शील्ड छूट जाती है, जिसके बाद वहां पर बकी आकर उसी गिरी हुई शील्ड को वॉर मशीन पर दे मारता है, फिर उसी शील्ड को फैल्कन कैप्टन की ओर वापस फेंक देता है, और फिर बकी कहता है कि मुझे भी एक ऐसी शील्ड चाहिए। इस सीन में कैप्टन बकी और फैल्कन के बीच काफी बढ़िया टीम वर्क दिखाया गया था, लेकिन रनिंग टाइम ज्यादा होने के कारण इस सीन को भी मूवी से डिलीट कर दिया गया। नंबर 6, ब्लैक विडो वर्सेस कैप्टन अमेरिका डिलीटेड सीन। सो फ्रेंड्स, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में हमें कैप्टन वर्सेस आयरन मैन देखने को मिला, कैप्टन वर्सेस स्पाइडरमैन देखने को मिला, लेकिन क्या आपको पता है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में हमें कैप्टन वर्सेस ब्लैक विडो की फाइट भी देखने को मिलती, जिस सीन का ये कॉन्सेप्ट आर्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जहां ब्लैक विडो कैप्टन अमेरिका से लड़ते हुए दिखाई जाती, जहां ब्लैक विडो कुछ समय के लिए कैप्टन अमेरिका की शील्ड उनसे छीनकर उन्हीं पर यूज करती, इसके बाद कैप्टन अमेरिका ब्लैक विडो को एक रूफ से नीचे फेंक देते, और ये सीन देखने में काफी औसम लगता। लेकिन इस बैटल वाले सीन में ब्लैक विडो के अलावा बाकी कई और सारे सुपर हीरोज थे जिन पर की फोकस करना था, और उसी के चलते ब्लैक विडो वर्सेस कैप्टन अमेरिका के इस फाइट वाले सीन को मूवी में कभी ऐड किया ही नहीं गया। सोचिए यदि इस सीन को मूवी में ऐड किया जाता तो ये सीन कितना औसम होता। और हाँ फ्रेंड्स, ये मार्वल मूवीज डिलीटेड सीन का पार्ट 4 है, और इससे भी पहले हमने
मार्वल मूवीज के डिलीटेड सीन के 3 पार्ट और बना चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, वहां पर भी मार्वल मूवीज के डिलीटेड सीन की ये प्लेलिस्ट बनी हुई है। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।